इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और पत्नी ने सोमवार को अपने पासपोर्ट गाजीपुर पुलिस के पास जमा कराए। एसपी ओपी सिंह और मुकदमे के विवेचक की मौजूदगी में तीनों आरोपियों ने वकील के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया को पूरा किया। सोमवार को एसपी ओपी सिंह से सांसद अफजान अंसारी के साथ तीनों ने मुलाकात की और पासपोर्ट जमा करते हुए केस चलने तक देश के बाहर नहीं जाने की बात भी कही। अपने आवास मोहम्मदपुर चले गए, हालांकि जिले में किसी अन्य से मुलाकात नहीं की। मुख्तार के बेटे और पत्नी के जिला मुख्यालय पर आने की चर्चाएं भी तेज रही। एसपी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गाजीपुर सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों पर गदर होटल के निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के मामले में धांधली के आरोप है। इस मामले में सदर कोतवाली में पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को अंतरिम राहत देते हुए 9 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी। जमानत के दौरान कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई थी, जिसमें पासपोर्ट को एसपी के सामने विवेचक के पास जमा करना था। इसी क्रम में सांसद अफजल अंसारी ने मुलाकात के लिए सोमवार को समय मांगा था। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने अपने अपने पासपोर्ट जमा कराए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है।